क्या आप अपने लिए 100cc के सेगमेंट में एक बेस्ट बाइक लेना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो पैशन प्लस और प्लेटिना 100 के बीच में? वैसे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जितनी एक्स शोरूम प्राइस है उतने में ये बाइक ऑन रोड पड़ जाती है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 77,000 रुपये और ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 77,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। तो इन दोनों के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है लगभग 14-15,000 रुपये का डिफरेंस है। यदि आप इन दोनों के बीच में कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैं इन दोनों बाइक के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इन दोनों बाइक में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। कंपेयर करते हैं इनके डायमेंशंस को। गाइस, कर्व वेट है इसका पैशन प्लस का 115 किलो और प्लेटिना 100 का कर्व वेट है 117 किलो। सीट हाइट इसकी है 790 mm की और प्लेटिना 100 की सीट हाइट है 807 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस प्लेटिना 100 में 200 mm का मिल जाता है और वहीं दूसरी ओर इसमें 168 mm का मिलता है। अब इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इन दोनों की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। आइए अब मैं आपको राइट प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखिए प्लेटिना 100 और ये रही पैशन प्लस। ये है दोनों की फ्रंट प्रोफाइल। प्लेटिना 100 में यहाँ पर देखिए फ्रंट में LED DRL मिल जाते हैं, हेडलाइट इसमें हैलोजन बल्ब के साथ में मिलते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर ये देखिए फ्लेक्सिबल हैं जिसमें कंपनी ने हैलोजन बल्ब का ही यूज़ किया है, और इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है, और ये देखिए लो बीम हाई बीम, और इसको मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पैशन प्लस। इग्निशन के ऑन होने पर इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है, इसमें भी हैलोजन बल्ब के साथ में ही हेडलैम्प सेटअप मिलता है, एक यहाँ पर एडिशनली पायलट लैम्प मिल जाता है। हेड का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है, ये देखिए दोनों एक ही फ्रेम में। पैशन प्लस का ज़्यादा मस्कुलर लग रहा है, इसमें भी साइड टर्न इंडिकेटर जो है हैलोजन बल्ब के साथ में ही है और थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हैं, ज़्यादा नहीं। ग्राफिक्स साइड में दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं, ये देखिए इसमें एडिशनली DRL मिल जाता है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो दोनों ही बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड फ्रंट में ये देखिए सस्पेंशन पर रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड जो है डोल टोन में मिल जाता है दोनों ही बाइक में। प्लेटिना 100 में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं और पैशन प्लस में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। गाइस, प्लेटिना 100 में ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं, ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, और पैशन प्लस में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इसके साथ में ये एडवांटेज आता है। टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 2.75/17 प्लेटिना 100 एंड पैशन प्लस 8018। बात करते हैं इनके ब्रेकिंग सिस्टम की। पैशन प्लस में IBS मिलता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और प्लेटिना 100 में CBS मिलता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों ही एक ही जैसे काम करते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। फ्रंट व्हील में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। दोनों बाइक के टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। दोनों बाइक में 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और दोनों ही बाइक अपडेटेड है। E20 का सपोर्ट मिल जाता है, ये देखिए इसमें भी E20 का सपोर्ट मिल जाता है। ग्राफिक्स कुछ इस तरीके के हैं। पैशन प्लस की जो टैंक है वो ज़्यादा मस्कुलर लग रही है, इसकी थोड़ी सी कम लग रही है। हैंडल का पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखिए इसका दिखाता हूँ, ये देखिए। आइए अब सभी फीचर बटन भी देख लेते हैं। पैशन प्लस में लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का स्विच, राइट साइड में ये देखिए डेडिकेटेड एक सेल्फ का स्विच मिल जाता है। एंड इसमें देख लेते हैं, लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच, और इसके राइट हैंडल पर यहाँ पर एक स्विच एक्स्ट्रा मिल जाता है हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए, चाहे बाइक स्टार्ट हो या फिर ना हो। ये इसका फीचर काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए एक सेल्फ का स्विच मिल जाता है। इस बाइक के साथ में नॉर्मल चाबी मिलती है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की स्टार्टिंग को जिस तरीके से होती है, इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर ऑडोमीटर मिलता है, राइट साइड में फ्यूल गेज मिलता है, न्यूट्रल इंडिकेटर, साइड टर्न इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, कुछ इतने फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं पैशन प्लस की। ये देखिए इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर एनालॉग में मिलता है, राइट साइड में एक डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाती हैं। इस डिस्प्ले में ऑडोमीटर ट्रिप मीटर मिल जाता है और फ्यूल गेज मिल जाता है डिजिटल में, काफ़ी अच्छी बात है। I3S की भी इसमें टेक्नोलॉजी मिलती है, इसके साथ में ये एडवांटेज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए
एक यूएसबी ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जिसकी सहायता से इमरजेंसी में आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। ये सारे एडिशनल पॉइंट जाते हैं पैशन प्लस के साथ में। बात करते हैं इन दोनों बाइक के इंजन की। इसमें 97.2 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेस्ट वाला FI 4 स्ट्रोक 2 वाल्व हीरो कंपनी का कम्यूटर सेगमेंट में एक बेहतर क्वालिटी का इंजन दिया है। और इस बाइक में 102 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6, इसमें FI नहीं मिलता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक इसमें कार्बोरेटर मिल जाता है, 4 स्ट्रोक 2 वाल्व बजाज कंपनी का एक बेहतर क्वालिटी का कम्यूटर सेगमेंट में इसमें भी इंजन मिल जाता है। दोनों ही बाइक में 4 गियर मिल जाते हैं। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 Nm का 6000 rpm पर, और प्लेटिना की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की 7500 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 Nm का 5500 rpm पर। गाइस, ज़्यादा इंजन की पावर एंड टॉर्क में डिफरेंस नहीं है, इसकी पावर ज़्यादा है और इसका टॉर्क ज़्यादा है। दोनों ही बाइक में सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड मिल जाता है। सीट देखिए, इनका पैटर्न जो है कुछ इस तरीके का है। इसकी सीट ज़्यादा लंबी लग रही है और इसकी सीट जो है थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी लग रही है। ग्रैवरेल का पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके का है, इसका ज़्यादा बड़ा मिलता है और इसका थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पर देखिए 100 कम्फर्ट एक को मेंशन किया है और इसके सीट कॉल पर हीरो को मेंशन किया है। ग्राफिक्स मुझे पर्सनली पैशन प्लस के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए कनेक्टेड ग्राफिक्स हैं। इसके अब थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, ये बाइक अभी आई है तो थोड़ा सा रिफ्रेश फील करा रही है। बात कर लेते हैं इनके सस्पेंशन की। दोनों ही बाइक में हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन पैशन प्लस में मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हैं एंड इसमें एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं। राइडर फुटपैड ये देखिए, और पिलियन फुटपैड और लेडी फुटपैड का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का है। इसमें ये फिक्स है, फोल्डेबल नहीं है, जबकि पैशन प्लस में ये फोल्डेबल मिल जाता है। ठीक है, दोनों ही बाइक में साड़ी गार्ड मिल जाता है। चैन सेट कवर जो है दोनों ही बाइक में फाइबर के मिलते हैं। रियर टायर साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 80/18, और इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ गया भाई, ये देखिए इसमें 3 सेक्शन का टायर मिलता है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही बताया इसमें IBS मिलता है और इसमें CBS मिलता है। ये दोनों जो हैं एक ही तरीके से काम करते हैं। इसमें रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है पैशन प्लस में, वहीं दूसरी ओर प्लेटिना 100 में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एडवांटेज मिलता है पैशन प्लस को। एग्जॉस्ट का पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके का है और इसका कुछ इस तरीके का है। दोनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है। ये देखिए एक एडिशनल पॉइंट और जाता है पैशन प्लस की तरफ, इसमें यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है जिसमें आराम से फ़ोन, डॉक्यूमेंट या फिर वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं मिलता है। आइए बाइक स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं और इनका एग्जॉस्ट नोट भी सुन लेते हैं। अब सुनते हैं पैशन प्लस का साउंड। इसका साउंड थोड़ा सा बेसी है और थोड़ा सा हैवी लग रहा है, और इसका साउंड थोड़ा सा लाइट लगा था। आइए बात करते हैं इनके प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस, हीरो कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 70,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, और बजाज कंपनी अपनी प्लेटिना 100 पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है। वारंटी के मामले में कहीं ना कहीं प्लेटिना इससे आगे है। आइए बात कर लेते हैं माइलेज की। इससे लगभग 65 से 70 के बीच में आराम से निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर माइलेज के मामले में प्लेटिना जो है किंग रही है शुरुआत से ही, इससे लगभग 75 से 80 के बीच में निकाला जा सकता है। तो माइलेज के मामले में भी ये बाइक आ गई है। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरियंट्स की और उनकी प्राइस की। दोनों बाइक में एक ही एक वेरियंट आता है, कलर इनमें मल्टीपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सोरूम प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 64,000 रुपये और इसकी 77,000 रुपये, लगभग 13-14,000 रुपये का डिफरेंस है। ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 77,000 रुपये की मिलेगी और ये बाइक ऑन रोड लगभग आपको 92,000 यानी कि 92,000 रुपये के आसपास मिलेगी। ठीक है, तो प्राइस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बाइक जो है आगे रहती है। ठीक है, आइए गाइस अब मैं आपको अपने फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। यदि आपका बजट कम है, यदि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, यदि आपको एक हल्की बाइक चाहिए, आपको ट्यूबलेस टायर से फ़र्क ना पड़ता हो, तो आपके लिए प्लेटिना 100
ज़्यादा बेहतर है। यदि आपको ट्यूबलेस टायर चाहिए, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए और इसी के साथ साथ माइलेज से भी ज़्यादा फर्क ना पड़ता हो और आपका बजट भी ठीक ठाक है, तो आपके लिए ये बाइक बेस्ट है। मेरे फाइनल बजट की अगर बात की जाए, दोनों ही बाइक जो हैं अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर हैं। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे, जिससे आपने अपने लिए इन दोनों में से एक बेहतर बाइक भी सिलेक्ट कर ली होगी। जो भी बाइक आपने सिलेक्ट की है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो मैं आपके कमेंट को इसी वीडियो में पिन करूंगा, जिससे क्या होगा, आपके कमेंट को लाखों लोग देखेंगे और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से उन सभी लोगों को भी एक वैल्यूएबल सजेशन मिलेगा। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।